नहीं कोई नहीं आएगा, आप भाई आपका छोड़ेगा नहीं किसी को, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा पुष्पा ओए ओए पुष्पा कौन है, ठुष्पा होने लगा था, शक्षक्ठा आजा बेटा, शीशे से बुलेट जाया हो गई, शक्षक्ठा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ खान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू रीमास्टर्ड प्ले स्टेशन 5 एडिशन के एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 है, सैटरडे 3 है, सब चैप्टर का नाम है आज के द फ्लडेड सिटी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जनाब द फ्लडेड सिटी में कितना को फ्लड आया हुआ, कितना को सैलाब आया हुआ। तो सुकून माहौल मिठे चोल के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माय न्यू वीडियोस थ्रू नोटिफिकेशन। और एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। नाइस लोई बेलियो मित्रों सजनों ते भजनों, ठीक है जी, बोट गई हमें मिल, एल से आपने करना है ड्राइव और आर टू से करना है रिवर्स, और आई होप कि ये सारे का सारा चैप्टर जो है हम बोट पे ही गुजारेंगे। स्टडी स्टडी मींस स्लो स्लो, तो सिंपल सी कलेक्शन है, कैलकुलेशन है, कलेक्शन नहीं है कि जिधर जिधर पानी जा रहा है आपने पानी के साथ साथ अपना रास्ता बना लेना है भाई साहब, क्योंकि बोटें जो होती हैं वो रोज़ रोज़ नहीं मिलती होती हैं, इसलिए इसको संभाल लें। और जिधर जिधर पानी जा रहा है और जिधर जिधर आपको आइसक्रीम नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं आइसक्रीम, वहाँ पे आपने जो है वो अपनी बोट को ले लूँ जाना है। तो मैं ज़रा एक तो साथ चुभी मार के एरिया भी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ और प्लस जो है बोट चलाने का भी मज़ा आ रहा है। वैसे क्या मज़ेदार किस्म की बोट जो है वो बनाई है, आप ये देखें, आइसक्रीम की गाड़ी जो है वो यहाँ पे डूबी हुई है, इसलिए इसके ऊपर आइसक्रीम बनी हुई है। मुझे लगा कि यहाँ पे फ्लडेड सिटी के अंदर आइसक्रीम बनाने का क्या तुक है, तो यहाँ पे रुक के जितनी देर हम बातें कर रहे हैं उतनी देर हम कर लें ज़रा लूट मार, लूट मचा ले लूट। ओके आर वन दबाएंगे तो जैसे अनचार्टेड में डी पैड का डाउन पैड दबा के, डाउन एरो कहेंगे क्या कहेंगे, एरो ही कहेंगे, तो वो जीप लोकेट हो जाती थी ना, वैसे इसमें आपको बोट लोकेट करने के लिए आर वन दबाना पड़ेगा। तो भाई साहब अच्छा तो वापस चला जाए बोट में, काफ़ी सारी हमें मिल गई है, अगर कोई खोती का बच्चा मिलेगा तो भाई हम उसको फटका लेंगे, इतना एमओ हमारे पास इकट्ठा हो गया है। वैसे तो आपके भाई का एमओ के साथ कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, क्योंकि जब भी एनिमीज इकट्ठे होते हैं आपके भाई के पास एमओ मुक जाता है, पता नहीं क्या बात है भाई। तो ये बचपन की बात है कि जब मेरे दादाजी आइसक्रीम की कंपनी चलाते होते थे, तो उस आइसक्रीम की कंपनी की जो गाड़ी थी वो यहाँ पे आके एक दफ़ा जंप लगा के चेक करें, ना ही जंप नहीं लगेगा, चूँकि ये बोट आपको उन्होंने दी है तो ये पूरे चैप्टर में आई थिंक सो बोट ही चलने वाली है, आप पैदल नहीं जा सकते भाई। अच्छा जी ये देखें, ये अली आइसक्रीम की जो गाड़ी खड़ी हुई है ये मेरे दादाजी की थी, फिर उनको ज़ॉम्बीज खा गए थे तो फिर इसलिए उन्होंने गाड़ी इधर ही छोड़ दी, तो वो पानी में डूब गई, सिटी के अंदर फ्लडेड हो गया और सिटी वाज फ्लडेड बाय फ्लड, एंड फिर हमें गाड़ी में पूरी यहाँ पे छोड़नी पड़ी। आज बड़े अरसे बाद गाड़ी देख के मुझे दादाजी की याद आ गई, ठीक हो गया, तो दादाजी किधर जा गए, किधर चले गए हैं आप, पानी के साथ साथ हम भी बह रहे हैं। ओके नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, ये कि ये जो ग्रिल है, ये जो जंगला है, ये जो जंगला मंगला है, इसको ऊपर करना पड़ेगा, और कहाँ से करना पड़ेगा उसको छोड़ें, पहले ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे हम, ताकि वहाँ पे अगर कोई लूट मार पड़ी हुई है तो उसको मचा लिया जाए। तो भाई साहब आ गए हैं हम ऊपर। ओके एक बेचारा नन्ना मुन्ना सिपाही यहाँ पे शहीद हुआ पड़ा है, उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे करके फायर मारा गया है। अब ये नहीं पता कि ये WLC वालों का काम है या खोट के बच्चे ज़ॉम्बीज़ का काम है, वो सामने आपको वो नज़र आ गया है गोल के तीरा, जिसको कहते हैं आसमानी चूल्हा, हमारे यहाँ आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, लंदन का भी ये बहुत बड़ा झूला सा मशहूर है। ये ट्राली को हम घसीट कर जाएंगे, वो ऊपर आपको जगह नज़र आ गई हो गई,
तो उसके ऊपर चढ़ के शायद कोई दूसरी साइड पे रास्ता निकले, या शायद वहां पे कुछ लूट मार पड़ी हो। ये तो अभी जाएंगे तो पता चलेगा भाई। ओके, ले जी आलू, ले कांदा, ले वाली ढेड़ी हम ले आए हैं। यो जी, सिर्फ और सिर्फ लूट ही पड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आगे हमसे जाना होगा। हाँ जी, ग्रिल खोलने की कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए रिवर्स सीटी लगा के हम वापस आएंगे नीचे, ताकि हम नीचे जाके बोट के सामने वाली ग्रिल को ओपन करके तो आगे का सफर कंटिन्यू कर सकें। मैंने इसको इसलिए तोड़ा है कि शायद यहाँ से ग्रिल से ऐसे ऊसे उकट्ठी कुट्ठी हो के ये दूसरी तरफ जा सके, लेकिन ये मेरी सरासर गलत फहमी थी। इसलिए इस गलत फहमी को दूर करते हुए हम जाएंगे वापस इत्थे रख। मैंने कहा जहाँ पे सीढ़ियाँ जो हैं इतनी घूम के जो जाना है, हम जंप मार के शॉर्टेस्ट वे में जाते हैं। मूविंग गेट कैन कॉज डेथ और इंजरी, कीप क्लियर, गेट कैन मूव एट एनी टाइम विदाउट नोटिस, व्हीकल फलाना टमकाना। ठीक है जी, चलो जी गड्डी लो अपनी कुमा। ओके, फाइनली हम जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आसमानी पंगूड़े के पास जाते जा रहे हैं। अल्टरनेट बोर्ड कंट्रोल्स आर अवेलेबल अंडर ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी। नो जी, थैंक यू सो मच, अल्टरनेट हमें नहीं चाहिए, यही ठीक है, हम इसी के काम से चला लेंगे, एल से और आर टू से रिवर्स। फिर से बंद हो गया, पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया कहीं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये इतनी सी दाल टैंकी के अंदर से हम कितना को पेट्रोल होगा जो हम पूरा फ्लडेड सिटी घूमेंगे। बहरहाल चलें, जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे फिर 11 नंबर बस तो है ही। 11 नंबर बस समझते हैं आप? नहीं समझते, दो टांगों को कहते हैं 11 नंबर बस, यानी कि आगे आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा भाई। ओके, ये सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पे हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सिएटल स्लीप, सिएटल स्लीप। ओके, ओ वाओ, कांच टूटने का क्या दिल रुबा मंजर था। और ये क्या है? ये तो मेट्रो ट्रेन थी जो के सारा ब्रिज टूटा हुआ है। क्या ही मज़ेदार किस्म का फ्लडेड सिटी बनाया। कार थी होटल, ये कार थी होटल मेरी नाना जी का था, नानी जी का था, तो वो नानी का नाम था, मेरा कार थी, तो वो जब छोटी होती थी तब उन्होंने ये होटल बनाया था। फिर एक टाइम आया कि ये बड़ा ज़ोंबी आया और वो मेरी नानी को खा गया था, तो फिर उसके बाद हमने ये होटल छोड़ दिया था भाई, और हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं बची थी, क्या करते हम। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई एक मिनट, एक तो पहले ये शॉटगन का एमओ, फिर ये जो कैप्सूल बचा हुआ था ये, और इसके नीचे जाके देखें शायद कुछ मिल जाए। हमें ना ही भाई, ना ही मिला कुछ भी, तो हमारा फेरा फजूल गया। ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। कम से कम शॉटगन का जो एक एमओ था वो तो मिल गया, एक बुलेट जो थी वो तो मिल गई एमओ में। ओके भाई, अभी तक तो नानी के होटल में ही हम फिर जा रहे हैं, और अभी तक भाई साहब कोई भी खोती का बच्चा हमें नज़र नहीं आया। अब देखें कहाँ जा। ओके, वो सामने आपको लाइट वाला हाउस नज़र आ रहा है या सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है? वाओ, काफ़ी सारे खोती के बच्चे इकट्ठे ही मिल गए हमें। सेराफाइट्स मिल गए हैं, जो साले सीटियाँ मार मार के बंदे बुलाते हैं और सीटियाँ मार मार के खोती के बच्चे जो है वो। अच्छा जी, यहाँ से आप ये रास्ता, मैंने इसलिए ब्रेक लगाई है कि यहाँ से आप ये सबवे ट्रेन के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, उसके अंदर से आपको कुछ लूट्स मिल जाएगी। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था तो इसलिए आपके भाई ने उसको हटा दिया है ताकि आप बोर ना हो। देखा, सारा फाइट खोती के बच्चों की सीटियाँ आपको सुनाई देना शुरू हो गई होगी, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, तो एक केला नहीं खाना, छोड़ेगा नहीं आपका भाई। थोड़ी में मार मार के इस गंजे की टिंड पान देनी है, मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, अभी कोई और है, आएगा पीछे कि नहीं आएगा? ओके, दो तीन तीन तो नजर आ गए, अब देखते हैं ऊपर जाकर क्या बनता है। आएगा नीचे कोई? नहीं, कोई नहीं आएगा। आप भाई, आपका छोड़ेगा नहीं किसी को, पुष्पा झुकेगा नहीं सारा। पुष्पा, पुष्पा, ओए ओए, पुष्पा का होने ठुष्पा होने लगा था।
यहाँ पे शॉटगन काम आएगी, नॉट पिस्टल। ये जो मेरा हैंड फाइट के जरिए बंदा मारने का शौक है ना, ये मेरा किसी दिन महंगा पड़ेगा। ओ सबर कर ले भाई, ऐसे रख पे शौक कर दिया है आपके भाई ने पूरा। शक्षक्ता आजा बेटा, शीशे से बुलेट जाया हो गई। शक्षक्ता चलो जी। वाओ देखा कैसा बाज उसका उड़ गया है भाई। राइट, अब थोड़ी सी की जाए यहां से लूट मार इकट्ठी। ओके, हुड आपके भाई ने दिया है उतार, ताकि हम जाके तो वापस आगे बढ़ सके, फ्लडेड सिटी को क्रॉस कर सके। चलो जी, वाओ। एट द एंड ऑफ द डे जाना हमने एक्वेरियम पे ही है, वो जो आपको आसमान ही घूरा नजर आया ना वो वाला, ठीक है ये। ओके ये पेस क्या किया हुआ, जूलस। ओ माई गॉड की कसम इतनी लूट मिल गई है हमें। ओके इस ग्रिल के नीचे से जाना बनता है हमारा, इस साइड पे भी कुछ ना कुछ होगा लाजमी। ओके ओके आ जाओ मुंह। ओके वाओ ये तो कुछ इलेक्ट्रिक आईटी के पैनल्स टाइप लग रहा है। ओ यार क्या जो बैकग्राउंड में जो बादल गरजने का जो साउंड है, क्या चस दे रहा, चेक करें आप क्या रियल है। वाह दिल कर रहा बंदा इधर खड़ा करके साउंड ही सुनता रहूं, लेकिन चैप्टर कौन करेगा खत्म। ओके क्या बात। आई लव दिस ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द लास्ट ऑफ अस टू। क्या बात मजा आ गया। चलो जी बोट किधर है हमारी, वापस बोट पे बैठा जाए और निकला जाए यहां से किस्कैन थ्रू होके। धूम मचा ले, वाओ इसके तो अंदर से ही मिल गया रास्ता। क्या बात है क्या साउंड रिकॉर्ड किया हुआ है इन्होंने, बादलों के गरजने का, बिजली के चमकने का और बारिश के फड़कने का, क्या ही मजेदार। चेक किया आपने कैसा कांच तोड़ा आपके भाई ने। तो भाई यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि क्या जो दो चार खोती के बच्चे थे बस वही होंगे, क्या आगे जाके हमें कोई और खोती का बच्चा भी मिलेगा, क्योंकि वो जो एक चार्ट हमें मिला था उसके ऊपर वो ज़ोंबीज के परदादा जी बने हुए थे, वड्डा ज़ोंबीज जिसको कहते हैं शम्भाला, और शम्भाले से भी आगे की चीज़ थी वो। शम्भाला तो खुद फट के वो जहरीली ग्रीन कलर की गैस फेंकता है ना, और जो शम्भाले का अब्बा है ना वो सारा गोले बना बना के गैस के मारता है। ओके एनीवन ये किसी ज़माने में रेस्टोरेंट होता था, ये मेरे चाचू का रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम तले हुए बर्गर बेचते थे बड़े ही मज़ेदार, काले घ्यो में फ्राई करके हम कैलोरीज फ्री फैट फ्री काले स्याह दूध के घ्यो में हम फ्राई करके वो बर्गर बेचा करते थे। लेकिन फिर एक टाइम आया कि एक ज़ोंबी को हमारा बर्गर पसंद नहीं आया था, वो फिर हमारे चाचू को खा गया। तो जैसे ही वो उसने खाया तो यहाँ पे आप अपनी गन अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपका भाई यहाँ पे गन अपग्रेड नहीं करेगा, स्किप कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले ही बात कुछ है। मैंने अपग्रेड कर लिया, मैंने बस वो एक टाइम स्किप कर दिया, ताकि भाई यहाँ पे एमओ मिल रहा है भाई, ब्लेड भी मिल गया है भाई, तो भाई साहब तैयार हो जाए, यहाँ पे कोई ना कोई खोती का बच्चा भी मिलेगा। ये गेमिंग सेक्शन जो है ना, ये गेमिंग कैफे था बेसिकली,
ये मेरा अपना गेमिंग कैफे था, फिर वो हमारी इधर जोम्बिस के साथ लड़ाई हो गई, फिर आपका भाई वहाँ से भाग आया। मैं क्या, देखिए बात पता क्या है कि इससे पहले कि आप जो है ना वो कोई जोम्बी आपको भी खा जाए, जैसे आपके चाचे दादे नाने और नानी को खा गए, तो बेहतर है कि चुप करके नीमे नीमे होके तो थोड़ा निकल जाओ। तो तब से ये गेमिंग कैफे वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। वाओ, चले एटलीस्ट पावर तो फुल हुई। ओके, ये रेडी आलू ले कांदा ले वाली रेडी लेके कहाँ जाना, कहाँ पे हमने वैसे? वो सामने ऊपर रास्ता है, ठीक है, उसके ऊपर से हमने जाना पर्ली साइड पे, जो रास्ता ब्लॉक है ग्रिल को। ओए ओए ओ तेरी, ओ भाई साहब, ओ ये नैश इंसान पाया गया, बहुत ही नैश इंसान पाया गया। ला फिर बेटा, ए वन, चल ओए ओए, ये तो मैनू भी आग लग गई। ए ओए, वी मिस दी चांस, वी मिस दी चांस, वी मिस दी चांस। नहीं और कुछ नहीं है, चलो फिर वट्टी बंदूक हेड शॉट, वन टू, नहीं, ओए दो फिटे मुंह, एक और आ गया। वाओ, ये भी फायर गया, चला गया हमारा। आपके भाई के हाथ ना इसको देख के कांपने शुरू हो जाते हैं, मसला ये है। अब आपसे क्या छुपाना, सच्ची बात है, ऐसा कोई नैच दिखता है ये। ओए चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। और एक खेला नहीं खाना, चलो ओके 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 ओके। कांपते हुए हाथों के साथ आपका भाई, आलो मैंने कहा ना आपके भाई के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। कांपते हुए हाथों के साथ आपके भाई ने एक और उड़ा दी है ज़ॉम्बीज़ को। मुझे लगा क्या बात है, बचपन से मेरा ख्वाब था कि संभाले के अब्बे को मैं डायरेक्ट ब्लेड मारूं, जो कि आज पूरा हो गया, और जो कि मेरा टगे का एमो नहीं बचा, जया कर लिया आपके भाई ने। अच्छे रख लो। ओए यार, ये तो मजाक मजाक में सीरियस ही होता जा रहा भाई काम। ओ आ गई चौधरी, ओ चौधरी, ओ यार, एंड पे पावर है, कंपटीशन है सख्त, और संभाला है बड़ा। एक दो और तीन, और फिर से रीलोडिंग की मौत पड़ चुकी है भाई को, कोई बात नहीं, एंड पे पावर है, और हेडशॉट, और हेडशॉट, यस एसहोल, चलो मसे ही मरे है यार। वाकई सच में एक दो हाथ कंपने शुरू हो गए। चले कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है, दस्तूर है, क्या करें। कोई लूट नहीं पड़ी हुई यार, ये तो ज्यादती है, इतना बड़ा संभाले का अब्बा मारा है, तो लूट तो पड़ी होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, कोई एक आधी पावर की टिक्की दे देते साले। ओए मिल गई, मिल गई, मिल गई, वापस वापस, यस फुल होगी पावर फिर से। ओए दुकान खोलने, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ना हमारा जो बर्गर शॉप थी ना, वो यहाँ पे उसका किचन होता था, और हमने जैबरे भी बिठाए हुए थे। ये जैबरे जो है ना, वो जब हमारा स्टाफ छुट्टी पे होता था ना, ये सांप और ये जैबरे जितने थे ना, ये खुद अपने हाथों से बर्गर जो है वो कस्टमर्स को सर्व किया करते थे, लेकिन फिर इनको भी ज़ोंबीज़ खा गए, और फिर बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ही दुख भरी कहानी है। और चॉकलेट की टिक्की हमें मिल चुकी है, ठीक है, और चॉकलेट की टिक्की ने कर दी है पूरी की पूरी हेल्थ। अब वापस आ जाए ऊपर, कैसा नैश गंद पड़ा हुआ है इन्होंने लिफ्ट में है। ओए ये शीशा नहीं टूटा, मुझे लगा टूटेगा।
वाओ, वावा सारे कैप्सूल की डबियां मिल गई हैं हमें, वावा सारे समझते हैं काफी ज्यादा। चलो ये शंबाला मारने का फायदा तो हुआ, लेकिन आप चेक करें कि कैसे ऐसी इतनी सी हेल्थ थी और आपके भाई ने ऐसे बहादुरी के साथ जान हथेली पर रख के शंबाले को मारा सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे भी कुछ पड़ा हुआ था। ठीक है, तो भाई अब हम निजान कहाँ है, ये भी मिल गया, ये भी पेच किल कब्जे मिल गए, और ये भी मिल गई खाली बोतल। इसमें इसका क्या करेंगे हम यार, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसका। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा। फाइनली तुझको है जाता जान। चलो भाई जंप मार के वापस बोट पे जाया जाए। यहाँ पे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एटीएम है, एटीएम पे मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है। हुए तो यार कैसा मैं भी पागल का दोस्त हूँ कि मैंने ग्रिल ऊपर की नहीं और मैं आगे फौरन बोट में बैठ गया। चलो जी, वाओ, काफी ऑलमोस्ट देयर, मैं भी यही कहने लगा था, काफी पास हम पहुंच चुके हैं भाई, आसमानी चूल्हे के पास हम काफी पहुंच चुके हैं। यार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में तो इसको आसमानी चूल्हा या आसमानी पंगूड़ा कहते हैं, आपके यहाँ बंदे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। ओए वाकई क्या बात है, यहाँ पे तो पूरे का पूरा तूफान आया हुआ है। वो सामने बिल्डिंग, वो सामने बिल्डिंग, वाओ क्या मजा आ रहा है बोट चलाने का। और बहुत ही जगह नैश पे जाके हमारी बोट हो चुकी है बंद, टीडी सी टैंकी के अंदर पेट्रोल हो चुका है खत्म, और यहाँ पे हम अभी एक मिनट से पहले मच्छियों की खुराक बनने लगे हैं। दो रिफिटे मुँह, मैंने इसको कहा था रास्ते में से पेट्रोल डलवा ले। चले कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं कि अब हम चुभिए मार के ऐसे ऐसे करके जाके वहां पर। ओए काफी दूर है अभी, वो सामने है, वो सामने। आई कैन मेक इट, आई थे रख बेटा, क्या मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। फ्लडेड सिटी में अगर आप थोड़ा सा तैरे नहीं तो फ्लडेड सिटी का मजा तो ना आया फिर। ले जी फाइनली हम कंटेनर के पास पहुंच चुके हैं और वो हमारी मंजिल मकसूद हमारे सामने है, और यहीं पे होता है आपका और हमारा साथ एंड, क्योंकि चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो मी आसिर इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि मुझे भी बहुत इंतज़ार है। मैंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं बनाया, खेला वो चैप्टर नहीं खेला। अगले इस चैप्टर में पता चलेगा नेक्स्ट में कि एबी यहाँ पे हमारा एबी के साथ कोई इनकाउंटर होता है या नहीं होता। तो अगर आप यहाँ तक मेरी पक पक टक टक और ये बूथी शरीफ देखते हुए पहुंच चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू, हो गया, गुड बाय।